खाचा खाचा घा खाचा खाचा। ये देखिए ये कच्चा मकान है, ये बहुत पुरानी हमारी ट्यूबवेल का जो कमरा है ना बहुत पुराना है, ये काफी पुराना कमरा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा सर लगता है इस जगह पे काफी बार लगे। मैं नीचे होके गुजरता हूँ, गुजरना भी पड़ता है। और ये देखें ये बहुत पुराना सामान रखे हुए हैं, ये देखें ये खजूर पर चढ़ने के लिए वो कमांड है, ठीक है हम कमांड बोलते हैं। चाचू मिस्त्री का काम करता है तो ये उनका सामान पड़ा हुआ है। ये देखें ये सारा ये ट्यूबवेल का सामान है, ये जो मोटर है उसकी तारें वगैरह पड़ी हैं, बड़ी सी ये मोटी लकड़ी है लेकिन इसको भी दीमक खा चुकी है। ये देखें ये कभी भी किसी टाइम गिर सकती है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें अभी मैं तो अचानक देख रहा था तो चाचू को कहूँगा एक नई लकड़ी यहाँ लगाएं। ये सामान इसलिए रखते हैं ताकि नीचे ना जानवर हम बांधते हैं, ताकि ये वो सामान ऊपर रहे और नीचे जानवर रहें। अच्छा ये देखें ये दीवारें, जानवर अपने सिंगों के जरिए ऐसे सिंग मार मार के इन दीवारों ख़त्म कर चुके हैं। ये बहुत ही पुराना कमरा है, कम से कम इसको लगभग 25-30 साल हो गए इस कमरे को। ये देखिए कितना मजबूत ये शतीर है, पिछले दौर के ना ये सामान बहुत ही अच्छे थे। अब ये गाटर भी देखें, अब वो चीज़ें नहीं बनाई जा रही, पता नहीं क्यों बहुत ही मिलावट करते हैं सामानों में। तो ये जंदरा है, इसके जरिए जो हम खेतों में ना कोई चीज उगाते हैं ज़मीनों में तो घास वगैरह तो उसके बनने देने पड़ते हैं ताकि पानी लगाने वक्त आसानी हो, तो वो जंदरा है। तो ये मशीन है, घास वगैरह काटते हैं यहाँ पे। आज बस दिल किया आपको यार ये सामान दिखा दें, तो ये उठाएंगे खोता रेड़ी पे लेके जाएंगे खेतों में, क्योंकि खेतों में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है गोबर वगैरह की। ये बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी बकरी है मेरी, 3 बच्चे देने वाली है इस मर्तबा। कितने बच्चे देगी? 3-2 बड़ी बड़ी कितने बच्चे देते हैं? 2-3। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे बड़ी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो आपसे शेयर किया। अभी परिंदे भी आए हुए हैं इस दरख्त से। ये कौवा जो है ना, कौवा बहुत ही ख़तरनाक है, ये जानवरों को तंग करता है। इसे मैं फिर कभी कभी यूँ करता हूँ तो उड़ जाता है, लेकिन अभी नहीं उड़ रहा, बेइज्जती करा दी इसने, अभी उड़ गया। ये सीन बहुत ही कमाल का बना है। तो अच्छा आपको ये मैं बताना भूल गया, इसमें है मेरे चाचू के कबूतर, ठीक है उनकी आवाज़ें मैं आपको सुना देता हूँ। चाबी उधर है, इधर है। देखें आवाज़ें सुनी है ना, ये उसके मेरे चाचू के जानवर हैं, एक गाय है और 2 इसके बच्चे हैं। ये बहुत ही नाजुक, क्या चाचू के बगैर घास बड़ी मुश्किल से खाती है, अगर कोई और आ जाए तो उसे मारती है, मुझे भी मारती थी, लेकिन मेरी बकरी के काम चेक करें वो देखें। यही मसला है, अभी सेटिंग करनी है ना, काफ़ी हद तक मैंने ये मिट्टी और अच्छी लकड़ियाँ डाल दी हैं, लेकिन इसके काम चेक करें। भला कोई ऐसे करता है, हैं मार खाएगी मुझसे, पीछे जा, हट हट जा। ये देखिए अब इसे लकड़ी लग सकती है, हट अब जा जा। ये दोस्तों यहाँ पे गाइस लकड़ियाँ मैंने लगानी है ताकि कोई थोड़ी सी जगह भी ना बचे, क्योंकि मैं अगर जाऊँ घास वगैरह करने के लिए तो ये पीछे से निकल कर दूसरों के खेतों में चली जाएंगे ना, यही लकड़ियाँ मैंने अभी लगानी है। बाय बाय काचा, बाय 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 गाइस। ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा कज़न है, ये ट्यूबवेल पे घूमने के लिए आए हैं। हाँ मैं नहीं देता वही, मैं खाना, मेरे को दे मैं खाना।
गाइस कहते हैं आप भी खाएं, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खाएं, ये देखें बस खाने का पता है हमें तो। और डुलू टी होते डुलू बकरियां तो डुलू मैं तो डुलू हाँ मैं तो डुलू मेमे। गाइस हम जा रहे हैं मेमे के पास, मेमे है ना मेमे मेमे तेरी मेमे हाँ। गाइस के मोहम्मद कहते हैं मेमे मेरी है, ये मेमे का घास है, मेमे का घास भी है हाँ, घास खाएंगी मेमे। मोबाइल है मोबाइल हाँ। हेलो मैं भी खामोशी से नीचे चेहरा करके बैठा रहा। और डेली कहते हैं कि आप बकरियों की कर, बकरियों की मैं यार कैसे करूं, शौक है व्लॉगिंग करना ट्रैवलिंग करना ये है। अब वो कहते हैं कि हालात के मुताबिक, वो भी सच्चे हैं दोस्तों। मैं कहता हूं एक ना एक दिन मेरी वीडियो वायरल होगी, वो आप सब दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक साल होने वाला है चैनल को, कोई लॉन्ग वीडियो इतना ख़ास व्यूज़ नहीं लेके आ रही, बस नॉर्मल डे 100-150 व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो पे। लेकिन लॉन्ग वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये है कि कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा माइक हो अच्छा मोबाइल हो, यार शौक होना अच्छा सब कुछ ओके हो जाता है यार। ना ही अच्छा मोबाइल है ना ही अच्छा माइक है, अगर सपोर्ट करना है दिल से तो वेल एंड गुड, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए इस टाइम। जो मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है ना वो होता है सच दोस्त मेरे, जो मेरे शुरू से मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। कंसिस्टेंसी से मैं जैसे ही व्लॉग बनाता हूँ वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ कि आप सब दोस्तों ने इतना सपोर्ट किया, इतने मेरे करीबी रिश्तेदारों ने नहीं किया जितना आप मेरी वीडियो देखते हैं। इसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए और आगे भी, और जो नए दोस्त हैं आप भी सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारी वीडियो देखते हैं, अच्छा सा कमेंट्स करते हैं, लाइक भी कर देते हैं। लाइक करने से दिल को खुशी मिलती है, अगली वीडियो बनाने का दिल करता है। तो यार हेटर बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको हम इग्नोर करके आपके प्यार को पाने के लिए अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं। आजकल तो फिलहाल अब्बू नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं यार। मैं क्या करूं, मैं खुद को समझ नहीं आती, मैं कहीं कमाने भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, बकरियों को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी रोटी रोजी का ज़रिया है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मंजिल भी मुश्किल होती है, रास्ते भी मुश्किल होते हैं, लेकिन सफ़र एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। और ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। आज सारा दिन मैं खुद परेशान था, अपनी बातें शेयर की और अभी मन हल्का हो गया, क्योंकि यार बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, मेरी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और हर मुश्किल आपके आसान करे। बकरियों को देख लिया आपने, फिर एक नए व्लॉग में मिलेंगे, इसी तरह बातें शेयर करेंगे। तो ठीक है, आज का इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे बताएंगे क्या सीन है। खुदा हाफिज़।